तन तन बाबा दीप सिंह जी, 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 तन तन बाबा दीप
सिंह जी। तन तन बाबा दीप सिंह जी, तन तन बाबा दीप सिंह जी, तन तन बाबा दीप सिंह जी, तन तन बाबा दीप सिंह जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप, आद सच जुगाद सच है पी सच, नानक होसी पी सच, सोचै सोच ना होवई जे सोची लख बार, चुपै चुप ना होवई जे लाए रहा लिवतार, भुखियां भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया पार, सहस स्यान पा लख हो हे ता इक ना चलै नाल, किविस ज्यारा होई है किम कूड़ै तुटै पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई, हुक्मी होवन जीया हुक्म लै वड्याई, हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख, दुख सुख पाई अहे इक न हुक्मी बख्शीस, एक हुक्मी सदा पवई है, हुक्म है अंदर सब को बार हुक्म ना कोई, नानक हुक्म है जे पूजै ता हुमै कहे ना कोई, गावै को तानो होवै किसे तानो, गावै को दात जाने निशानो, गावै को गुण वडियाई आचारो, गावै को विद्या विखम विचार, गावै को साध करे तन खे है, गावै को जी ले फिर दे है, गावै को जापै दिसा दूर, गावै को वेखै हादरा हदूर, कथना कथी ना आवै तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, देदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे, हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विकसै वे प्रवाहो, साचा साहिब साच नाई पाखिया पाव पार, आखे मंगै देह देह दात करे दातार, फिर के अगे रखिया जिद से दरबार, मोहो के बोलन बोलिया जिस सुन तरे प्यार, अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार, करमी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार, नानक ये वे जानिया सब आपे सचियार, थाप्या ना जाए किता ना होए, आपे आप निरंजन सोए, जिन से बिया तिन पाया मान, नानक गाविया गुणी निदान, गाविया सुनिया मन रखिया पाओ, दुख पर हर सुकर ले जाए, गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहा समाई, गुर ईसर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई, जेहू जाना आखा नाही कहना कथ न जाई, गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई, तीरथ नावा जे तिस पावा, बिन पाने के नाए करी जे तिस टोपाई, वेखा बिन कर्मा के मिला लई, मत विच रतन जवाहर माणक जे गुर की सिख सुनी, गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई, जे जुग चारे आर जा होर्द सुनी होए, नवा खंडा विच जानिए नाल चलै सब कोए, चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नजर ना आवई ता बात न पूछै के, कीटा अंदर कीट कर दोषी दोस्त रे, नानक निर्गुण गुण करे,
गुणवंतिया गुण देते हां कोई ना सुजई जे तिस गुण कोई करे सुने सिद्ध पीर सुरनाथ सुने धरतवल आकाश सुने दीप लो पाताल सुने पोहे ना सकै काल नानक भगता सदा विगास सुने दुख पाप का नास सुने ईश्वर ब्रह्मा इंद सुने मुख सलाहन मंद सुने जोग जुगतन भेद सुने शास्त्र सिमरत वेद नानक भगता सदा विगास सुने दुख पाप का नास सुने सत संतोख ज्ञान सुने अठ सठ का स्नान सुने पढ़ पढ़ पावे मान सुने लागे सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुने दुख पाप का नास सुने सरा गुणा के गाहा सुने सेख पीर पातशाह सुने अंधे पावे राहु सुने हाथ वैस गाहो नानक भगता सदा विगास सुने दुख पाप का नास मन्ने की गत कही ना जाए जे को कह पीछे पछताए कागद कलम ना लिखन हार मन्ने का वै करन विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जान मन कोए मन सुरत होवे मन बुद्ध मन सगल पवन की सुध मन मोहे चोटा ना खाए मन जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जान मन कोए मन मार्ग ठाक ना पाए मन पत स्यों परगट जाए मन मग्न चले पंथ मन धर्म सेति संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन पावे मुख द्वार मन परवार साधार मन तरै तारी गुरसिख मन नानक पवे ना भिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पाव हे दरगह मान पंचे सोह हे दरा जान पंचा का गुर एक ध्यान जे को कह कर विचार करत कह कन नहीं सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रख्या जिन सूत जे को बुझै हुवै सच्यार तवला उपर केता पार धरती होर पर होर होर तिस्ते पार तले कमन जोर जिए जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुढ़ी कलाम एहो लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया केता होए केता तानस वाले रूप केती दात जाने कौन कूत किता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ कुदरत कमन कहा विचार वारिया ना जावा एक बार जो तुद पावे साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहै उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार संख सती संख दातार संख सुर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कमन कह विचार वारे ना जावा एक बार जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कुड़ियार कूड़े फिराहे असंख अमलेश मल पख खाहे असंख निंदक सिर करहे पार नानक नीच कै विचार वारिया न जावा एक बार जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार
असंख नाव संख थाव गम गम संख लो संख कह सिर पार होए अखरी नाम अखरी सलाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन एह लिखे तिसर नाहे जि फुरमाए तिव तिव पाहे जित किता तेता नाओ बिन्नावै नाही को थाओ कुदरत कवन का विचारो वार ना जावा एक वारो जो तुद पावै सही पलिकार तू सदा सलामत निरंकार भरिया हथ पै पैर तंदे है पानी तो तरसो खे है मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लइए ओ धोए परिया मत पापा कै संग ओह धोपै नावै कै रंग पुन्नी पापी आखन नाहे कर कर करना लिख ले जाहो आपे बीज आपे ही खाहो नानक हुक्मी आब हो जाहो तीरथ तप दया दत दान जे को पावै तिलका मान सुनया मनया मन किता पाओ अंतरगत तीरथ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए बिन गुण किते भगत ना होए स्वस्थ आत बाणी ब्रह्माओ सत सुहान सदा मन चाओ कौन सो वेला वक्त कवण कवण थित कवण वारो कवण सिरुति माहो कवण जित हुआ आकार वेल ना पाया पंडती जे होवे ले पुराण वक्त ना पायो का दिया जे लिखन ले कुरान थित वारण जोगी जाने रुत माहु ना कोई जा करता सिरटी को साजे आपे जाने सोई किम करिया खां किम सालाही क्यों वरनी किम जाना नानक आखण सब को आखा एक दू एक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी नाई किता जाका होवै नानक जे को आपो जाने अगे ज्ञान सो है पाताला पाताल लख आगा साया गास ओड़ कोड़क पाल थके वेद कैनिक वात सैस ठहर कैनक ते बायस लुक तात लेखा हुए त लिखिए लेखे हुए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप सालाही सालाहे एति सुरत न पाइया नदियां ते बाह पवै समुद न जानिए हे समुंद सा सुल्तान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तुलना होवनी जे तिस मनो न विसरे अंत न सिरती कह न अंत अंत न करण दे न अंत अंत न वेखण सुन न अंत अंत न जापै क्या मन मंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारा वार अंत कारण के ते बिल लाहे ताके अंत ना पाए जाहे एहो अंत न जाने कोए बहुता कहिए बहुता होए वड्डा साहिब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ एवड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे को जाने सोए जेवड आप जन आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया न जाए वड्डा दाता तिल नातमाए केते मंगे जोद पार केते अगणत नहीं विचार केते खप तुटे बेकार केते लै लै मुकर पाहे केते मूर्ख खाही खाहे केतिया दुख भूख सदमार एपे दात तेरी दातार बंद खलासी पाने होए हो राख ना सके कोए जे को खाए को अखण पाए ओह जाने जितिया मोह खाए आपे जाने आपे दे आखे से पे केई के जिसनो बख्शे सिरसा लाहा नानक पातशाही पातशाह अमूल गुण अमूल व्यापार अमूल व्यापारिये अमूल भंडार अमूल आवहे अमूल जाहे अमूल पाए अमूल समाहे
अमुल धर्म मुल दीवान अमुल तुल अमुल परवान मुल बख्शीस मुल निशान अमुल कर्म मुल फुरमान अमूलो मुलाख्या ना जाए आखागरे लिवलाए आखे वेद पाठ पुराण आखे पढ़े कर विख्याण आखे ब्रह्मे आखे इंद आखे गोपीता गोविंद आखे ईश्वर आखे सिद्ध आखे किते किते बुद्ध आखे दानव आखे देव आखे सुर नर मुंजन सेव केते आखे आखण पाहे केते कह कह उठ जाहे एते किते और करे है ताक न सके केई के जे बड़ पावे ते बड़ होए नानक जाने साचा सोए जे को आखे बोल बिगाड़ ता लिखिया सिर गावार गावार सुदर के हा सो कर के हा जित बै सर्व समाले वाजे नाद अनेक संखा केते बावन हारे केते राग परिसो कहियन केते गावन हारे गावे तोणो पौन पानी बै संतर गावे राजा धर्म दुआरे गावे हे चित गुप्त लिख जान हे लिख लिख धर्म विचारे गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सुन सदा सवारे गावे हे इंद्र दासन बैठे देवते अंदर नाले गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सति संतोखी गावे हे वीर करारे गावन पंडित पण रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावे हे मोहनिया मन मोहन सुरगा मछ प्याले गावन रत्न पाए तेरे अठ सठ तीर्थ नाले गावे हे जोत महाबल सूरा गावे हे खानी चारे गावे खंड मनवर पंडा कर कर रखे तारे से तुदनो गावे हे जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितना आवण नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिबो साचा साची नाई है पियो सी जाय ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखे कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस पावे सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पातशाह साहा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरमपत चोली ध्यान की करे विभूत खिंता काल कुवारी काया जुग टंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुगे को वेश उगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वज नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साध संजोग विजोग द्विकार चलावै लेखे आवै भाग आदेश तिस आदेश आद नील नाद नाहत जुग जुगे को वेश एक माई जुगत व्याई तिन चेले प्रवानो एक संसारी एक भंडारी एक लाई दीवानो जिव तिस पावै तिवे चलावै जिव हुआ फुरमान ओह वेखै उना नदना आवै बहुता यो विडानो आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुगे को वेश आसन लोए लोए भंडारो जो किच पाया सो एकावार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच की साची कारो आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुगे को वेश एक दूज बो लख हो हे लख वै लख वीस लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश ए तराए पत पबड़िया चढ़िए होए कीस सुन गलाया कास की कीटा आई रीस
नानक नदरी पाई कूड़ी कूड़े ठीस आखन जोर चुपै नह जोर जोर ना मंगण देना जोर जोरना जीवन मरण नह जोर जोरना राजमाल मन सोर जोरना सुरती ज्ञान विचार जोरना जुगती छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुति थिति वार पौन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जीए जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आपो सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच प्रमाण नदरी करम पवै निशान कच पकाई उत पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड कहो धर्म ज्ञान खंड कहो करम केते पौन पानी बैसंतर केते कान महेश केते ब्रह्मे काड़त कड़िए रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्धनाथ केते केते देवी दिवेश केते देवदान मुन केते केते रत्न समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात निरंद केतिया सूति सेवक केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंडम है ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कोड़े नंद सर्व खंड की बाणी रूप तिथे काढ़त कड़िए बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया न जाहे जे को कह पीछे पछताए तिथे कड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे कड़िए सुरा सदा की सुद कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर ना कोई होर तिथे जोद महाबल सूर तिन मह राम रहा भरपूर तिथे सितो सीता मैं माहे ताके रूप ना कथने जाहे ना ओहे मरहै ना ठाके जाहे जिनके राम वसै मन माहे तिथे भगत वसै के लो कर नंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथे खंड मंडल बरपंड जे को कथै ता अंत न अंत तिथे लो लो आकार जिव जिव हुकमो तिवै तिवकार वेखै विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा तिरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार पाओ खला अगन तपताओ भांडा पाओ अमृत ढाल कड़िए शब्द सची टकसाल जिनका नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दुदाई दाया खेल सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वच धर्म दूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह है पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपई हमरी करो हादे रचा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ब तुम काबो आपा दे मोय बचावो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आज संगरिए
पूर्ण होय हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें छाड़ो कोई अब ना त्याओ, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊ, सेवक से कमारे तारी है, चुन चुन सतरा मारे मारिय है, आप आद मुझे बरिय, मरण काल का त्रासनी बरिय, हूँ जो सदा हमारे पछा, श्री अस्तु जो करे और अच्छा, राख ले मोय राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बांदुष्ट के हंता, तुम हो पूरी चतुर्दशकंता, काल पाए ब्रह्मा बबतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सगल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जो थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार रहता है हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दै दक्षिण उपजायो, आद अंत कवतारा, सोई गुरु समझे हमारा, नमस्कार तिसि को मारी, सकल प्रजा जनि आप सवारी, शिव कण को शिव गुण सुख दियो, सतरण को पलमो बद कियो, काट काट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पशानत, चीटी ते कुंचरिया सूला, सप्र कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछान, कट कट के पट पट की जान, जब तो करख करा कर तारा, प्रजा तर तब दे अपारा, जब कर कर तो कब हूँ, तुम मिलत देह तर सब हूँ, जेते बदन सृषभ तार, आप अपनी बूझ उचार, तुम सभी ते रत निरालम, जानत वेद भेद अरियालम, निरंकार निर्भकार निर्लंब, आद नील नाद संभ, ताका मूड उचारत पेदा, जाको पेव ना पावत वेदा, ताको कृपान मानत, महा मूड कशपेद ना जानत, मां देव को कह सदा शिव, निरंकार का चिन्हित न पीव, आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पिन पिन तू है तेती, तुमरा लखा ना जाय पसारा, कै विद सदा प्रथम संसारा, एक रूप नूप स्वरूपा, रंग प्यो राव कई पूपा, अंड जेर से तेज कीनी, उत्पज खान बहु रच दीनी, कहूं फूल राजा हो बैठा, कहूं सिमट पेओ संक्रे कैठा, सिगरे सिर दिखाए चंपाओ, आजुगाद स्वरूप श्यंपाओ, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख बार सिख संगरो, दुष्ट थे ठुआ तुत पाता, सकल मिलेश करो रण काता, जे अस्तु तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार त्याए हैं, ताके काल निकले हैं, रचा वे ताए सब काला, दुष्ट रिष्ट रह तत्काला, कृपा दितन जाए न हरो, ताके तातनक मोहरो, रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाश्वास कहना कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताई उबारा, जिन नाम त्यारो कहा, दर्द दुष्ट दोग ते रहा, खड़ग केत में शरण तिहारी, आपा दलेहु बारी, सर्व ठोर मो सहाई, दुष्ट दुख ते ले बचाई, कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुभराता, किलविख सकल दे को हरता, दुष्ट दुखिन कोछ करता, श्री तुज पै दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बाशंत फल पावे सोई, दुख नात सव्यापत कोई अडिल, सुने गुंग जो याय सुरस ना पावई, सुने मूड चित लाय चतुरता आवई, दुख दर्द पो निकना तिन नर के रह, हो जो या की एक बार चौपई, को कह चौपई, संबत सत्र सहस पनी जाय, अर्ध सहस पुन तीन कही जाय, पाद्रव सुधवी अष्टवी रवारा, तीसर दव ग्रंथ सुधारा,
सवैया पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आगत रहनिया ने ओ राम रहीम पुराण कुरान नेका में देख ना माने ओ सिमरत शास्त्र वेद सब भेद कह हम एक ना जाने ओ सिरियस पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो ए बखाने ओ दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार बाई गे की लाज अस गोविंदास तुहार सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार बाई गे की लाज अस गोविंद दास तुहार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी प्यार नाल सारी संगत को ने जी धन बाबा दीप सिंह जी गुरु रामदास जी दा बाबा दीप सिंह साहिब जी दा संगत रूपी परिवार गुरु अमरदास हॉल इंदौर विखे एकत्रित होया और हो रहा है बेशक बारिश बहुत हो रही है बार पर ए भी नाल सच्चाई वाली गल है जेड़े अंदरों प्रेम करदे ने ना भावें मीह होवे भावें हनेरी होवे वो सत संग विच आउण दा सुभाव अपना छड नहीं सकदे आखो वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी झखड़ झांगी मीहों वरसै भी गुर देखण जाई समुंद सागर होवे बहु खारा गुर सिख लंग गुरु पै जाई भावें बारिश होवे भावें हनेरी होवे जिहड़ा प्यार वाला है ना अपने प्यार दी रूटीन कदी भी छड़दा नहीं गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी का जीवन पढ़ो 12 साल गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह जी नूं इशनान कराउण दी सेवा कीती 12 सालां दे विच मीह नहीं आया होएगा हनेरी नहीं आई होएगी कि सेहत ढिली नहीं हुई होएगी 12 सालां विच सब कुछ होया सेहत भी ढिली हुई होएगी मीह भी आए ने हनेरियां भी आईयां पर गुरु अमरदास पातशाह जी ने 12 सालां दे विच अपने नितनेम च एक दिन भी नागा नहीं पाया आखो वाहिगुरु जी ते ओदा ही सदका होया कि धन गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह जी ने अपने गले नाल लाया जिदे बारे वो जुलाई कहती ये अमरू निथावें ये अमरू निथावें प्यारेओ ओहो ही गुरु अंगद साहब ने गुरु अमरदास जी नूं अपने गल नाल लाया ते अपनी जुबान अपनी मिठी रसना तों वर दित्ते ओ तैनूं लोक कहिंदे ने तूं निथावें तेरा एहो जिहा अस्थान बनेगा कि जिन्नू किते भी थां नहीं मिलदी तेरे चरणां विच आ जाया करेगा ओह भी थां वाला बन जाएगा जिन्नू कितों भी कोई माण प्राप्त नहीं ना हुंदा लोग धक्के मारदे ने कि ए ते नीम है इहदे कोल ते है ही कख नहीं ओ निमाणा भी तेरे कोल आके ढह पिया करेगा ना तो निमाणियां नूं इहो जिहा माण देण वाला बन जाएगा कि इहो जिहा माण उस निमाणे नूं देवेगा कि ओहदी लोक विच भी जय जयकार होएगी ते परलोक विच भी जय जयकार होएगी फिर वर दिते मरण ने निमाणिया दे मान गुरु अमरदास नेताणिया दे तान गुरु अमरदास न्योटिया दी ओट गुरु अमरदास न्यासरिया दे आसरे गुरु अमरदास इतना 12 वर दिते सी 12 वर तो मैनू बड़ी खुशी हो रही भावें बार बारिश का पूरा जोर है पर प्रेम वाले दा भी जोर पूरा आखो धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जिथे जिथे जगह मिले बस प्यार दे विच सजेओ उसे तरह भावना बना लो इधर गुरु ग्रंथ साहिब जी बैठे ने जोड़ो दोवें हथ वेखो गुरु ग्रंथ साहिब जी वल वेखो गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विचों गुरु रामदास नजर आ रहे आखो धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी प्यार नाल आखो धन बाबा दीप सिंह जी गुरु रामदास जी नूं हाजर नाजर समझ के आओ शब्द
पढ़ना आपां पर शब्द करन तो पहला वाहेगुरु गुरमंत्र का जाप जो रूटीन नाल आपां करदे आ पिता जी सेवा लैण सारी संगत हाजरी लाइओ जी। वाहेगुरु 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 सिंह जी मैं तेरा
सिंह जी मैं तेरा धन्यवाद है गुरु।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, 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 ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸ਼ਬਦ ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਘੋੜੇ ਸੀ, ਚਾਰ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਘੋੜੇ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜੇ, ਤੇ ਇਹ ਚਾਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰ। ਪਰ ਘੋੜੇ ਇੰਨੇ ਜਿੱਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਚਾਰਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਣ ਲੱਗਦਾ, ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘੋੜੇ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿ ਮੈਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਘੋੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰਵਾਵੇ ਕੌਣ। ਏਦਾਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਨ ਆਵੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰੇ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨਾ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਕੇਗੀ ਨਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜੁਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਜੁਗਤ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਢੰਡੋਰਾ ਫਰਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰੇ, ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਦਾਮ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ, ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੇਖਿਆ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਖਤੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦੀ ਘੋੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਔਰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਰੋਬ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਕਾਲਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਬਈ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਆਪ ਖੁਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਖੁਦ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ 2 ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਸ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਘੋੜੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤਾ, ਆਜ਼ਾਦ। ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਘੋੜੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ,
किनारा बनया बॉर्डर बनया ओदे इर्द गिर्द घोड़े भजदे ने ते प्यारे ओ घोड़िया दे नाल नाल एक ट्रेनर भी भजन लग पिया जो थक जाता है ये बह जाता है सह लेता है पर घोड़िया दे नाल नाल भजदा है ते हुण कुछ हफ्तिया दे बाद होया कि जो ये घोड़िया दे नाल भजदा है ना ये थक के बह जाता है घोड़े भी वाह वाह सारा चक्कर ला लेंदे आ चक्कर लवाउण तो बाद उन्हां नूं खाण वास्ते घा दे देंदा है पीण नूं पानी दे देंदा है हुण जदों ये बंदा खाण नूं दे रहा है पीण नूं दे रहा है ते घोड़े इहनूं मित्र समझण लग पए आखो वाहिगुरु जी कि जिहड़ा हुण रोज़ सानूं खाण नूं दे रहा है साडे उत्ते कोई सख्ती नहीं कर रहा पीण नूं दे रहा है घोड़े इहनूं मित्र समझण लग पए ते होया पता की ये चीज रोज वो ट्रेनर दोहराई जा रही है रिपीट करी जा रही है रिपीट भजदा घोड़िया दे नाल नाल जदों थक जांदा बह जांदा फिर भजदा है कुछ समय बाद घोड़िया नूं खाण पीण वास्ते देंदा ते कुछ हफ्तिया दे बाद समा इहो जिहा आ गया कि हुण जिधर जिधर वो ट्रेनर जांदा है ना जे ट्रेनर भजदा है ते घोड़े मगर भजन लग पए उहनां नूं लगना शुरू हो गया कि असीं इहदे मगर भजना है सानू खान नू देंदा सानू पीन नू देंदा साडा असली मित्र है उहनां नू प्यार भी करदा घोड़िया नू ते कुछ महीनिया दे बाद होया पता की प्यारिओ एक दिन राजा एक खबर लैण वास्ते आया कि मेरे घोड़िया दा बणिया की है काफी समा लंघ गया ते जदों राजा आया ते राजे ने पुछिया उह ट्रेनर दे कोलों बई दस ट्रेनिंग किवें चल रही घोड़िया दी ते उस समय ना उह ट्रेनर कहिंदा तुसीं आप ही वेख लो ये को खाते भी ने पीते भी ने यह जेड़े मर्जी घोड़े की पिठ के उत्ते बह जाता इन चक्कर भी लाते ने जिधर ये जाता घोड़े के मगर मगर जाते ने राजा वो अंदर ना खुशी की लहर उठ पई कि भाई तू मेरे घोड़िया ट्रेंड कर दिता ते लखां मोहरां उस वेले ये ट्रेन ट्रेनर की झोड़ी दे विच पाईयां आखो धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी प्यार नाल आखो धन बाबा दीप सिंह धन बाबा दीप सिंह जी राजे ने ये चीज वेखी लखां मोहरां उहदी झोड़ी च पाईयां ते उस समय ना राजा पुछदा है उस ट्रेनर दे कोल आ गल हुण पॉइंट पकड़ना है आपां ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਤੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਪਕੜੀ ਜਾਈ सब तो पहला काम मैं कीता एक घोड़िया नू अपना पन महसूस करवाया इना दे नाल रहना शुरू कीता ते उस तो बाद इना नू कैद नहीं रखिया इना नू आजाद रखिया खो वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी ते मैं इना नू महसूस करवाया कि मैं इना दे नाल बहुत प्यार करदा वा बहुत प्यार केंदे फिर इना नू खाना दे के पानी दे के इना दे कोल जान दी कोशिश कीती ते ज्यों ज्यों मैं कोल जाना शुरू होया अपने पन दा इना नू एहसास कराउना शुरू कीता ए मेरे दोस्त बन गए ते हौली हौली इना ने भी मैनू अपने करीब आउण दिता जदों मैं इना दे करीब आया दोस्ती होई ते मैं जिहदी मर्जी पिठ ते बह जाना हुण जिधर मर्जी चक्कर लावां मेरा कोई इह नुकसान नहीं करदे आखो धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी हुण राजा बड़ा खुश कि बई तूं बड़ा वड्डा कम कीता मेरे पसंदीदा इह चार घोड़े सी किसे दे काबू नहीं सी आउंदे पर तूं इहनां नूं ट्रेंड कीता बड़ियां शाबाशियां दित्तियां मोहरां दित्तियां झोलियां इहदियां भरियां हुण प्यारे ओ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂ ਨਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨਗੀਆਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਮੋਰਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਬੰਦਾ
बंदा हमेशा अपने जीवन दे विच चार घोड़िया दे नाल रहिंदा। वाहिगुरु जी चार तरह के घोड़िया दे नाल। पहला घोड़ा हुंदा चिंता का घोड़ा, चिंता। दूजा गुस्सा, तीजा घमंड, चौथा लालच। आखो वाहिगुरु जी। ये इन्ने शैतान ने बंदे नूं हर वेले परेशान करके रखते हैं। ये घोड़े हर वेले अपने उत्ते सवारी नहीं करन देंदे, ये बंदे दे उत्ते सवारी करदे ने। हर वेले बंदे दे उत्ते चिंता, गुस्सा, घमंड, लालच, ये चार घोड़े बंदे दे उत्ते हमेशा सवारी करदे ने। पर प्यारेओ, ये मेरी बेनती है, जिवें ओ ट्रेनर ने खोली खोली हौली हौली ओ घोड़िया दे कोल जाके समझदारी दे नाल समा लैके जिवें उन्हां बदमाश घोड़िया दे उत्ते काबू पा लिया ना, जदों इंसान संगत विच आके गुरु दा ज्ञान लैके समझदारी दे नाल समा हौली हौली समय दे नाल चलना शुरू कर देवे, समा लई जावे, कोई नहीं काला ना पवे लाइफ दे विच। जदों बंदा समा लैके गुरु दा ज्ञान लैके गुरु कोलों अकल लैके गुरु कोलों सोची लैके समझदारी दे नाल प्यारे ओ चलदा है ना, ते हौली हौली इन्हां घोड़ियां दे उत्ते काबू पाउण दा वी बंदे दा सुभाव बन जांदा है। आखो वाहिगुरु जी। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल आखो ने जी धन बाबा। पहला घोड़ा बंदे नूं ज्यादा तंग पता केड़ा करदा है, चिंता दा। हाय की बनेगा, चिंता चिंता हर वेले चिंता है। सच्चाई है, इथों तक बंदा चिंता करन लग पिया, इथों तक कि चिंता कर करके कई बारी डिप्रैशन च चलिया जांदा। डिप्रैशन च इन्नी चिंता। आ मैं गुरु दी हजूरी च कह रहा हां, जदों यह लॉकडाउन लगे है ना, लॉकडाउन लॉकडाउन जदों लगे असी यह समागम शुरू किया महाराज जी की मेहर के नाल पीटीसी सिमरन के दुपहरी 3-4 हूँ राती भी चलता है 10-11 सुनियो। जदों असी यह प्रोग्राम शुरू किया लॉकडाउन पूरी जोर से सी, उदों मैं बापू जी की हजूरी च कह रहे हैं इन्ने सानू मैसेज आते हजार के हिसाब न कि इन्नी चिंता बढ़ गई, डिप्रैशन च चले गए, डिप्रैशन च इतों तक सिस्टम बन गया कि खुदकुशी कर लगे हैं। कहिंदे पर महाराज ने इहोजी कृपा करती, जदों दा 3-4 वाले प्रोग्राम नाल जुड़ गए हैं, चिंतावां भी मुक गई, डिप्रैशन भी खत्म। कई लोग इतों तक उन्होंने सानू सुने दिते, कहिंदे खुदकुशी करन वाले पासे आ गए सा, पर महाराज ने सानू ये 3-4 वाले प्रोग्राम की इहोजी सपोर्ट दिती कि खुदकुशी करन वाला असी सुभा ही छड़ दिता, उधर ख्याल करना ही छड़ दिता। मैं गल जिहड़ी कर रहा, यह चिंता का घोड़ा बड़ा भैड़ा जे, चिंता का अपने माइंड नू हौली हौली अपनी बुद्धि नू हौली हौली ये समझाओ। चिंता चिखा समान होंदी है, चिखा समान। चिंता नहीं चिंतन कर, चिंता नहीं चिंतन कर। चिंता करन दे नाल कुछ नहीं होना, पर जदों तू चिंतन करेगा ना, तेरिया सारिया चिंतावां गुरु रामदास अपनी झोली च पवा लैणगे। आखो वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। और महाराज की बाणी पढ़ो, महाराज ने सानू चिंता करन दी टेंशन विचों कढ़िया। कहिंदे नानक चिंता मत करो, चिंता तिस की है, जल मैं जंत उपायन तिना भी रोसी दे। कहिंदे क्यों चिंता करना है, ओ भोलिया जेड़ा पत्थरां दे विच कीड़ियां नूं रोटी दे सकदा है, पानी दे विच जंतुआं नूं जिथे कोई दुकान नहीं चलदी पानी दे विच, पानी दे विच जीआं नूं रोटी दे सकदा है, तेनू तेरे परिवार नूं भुखा नहीं मारेगा। आखो वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी। तू उहदे उत्ते डोरी छड़ते सही, छड़ते सही। मैं चुपहरे वाले दिन ये गल कही सी 27 तरीक नूं, प्लैनिंग अपनी थोड़ी बहुती कर लो, करनी भी चाहिए। चलो फ्यूचर की थोड़ी जी प्लैनिंग रखो,
पर इना बोझ ना पाओ हाए मेरा की बनेगा। वो जिन्हें साड़ी प्लानिंग की हुई है ना कुछ डोरा ओते भी तो सुटो है जी, उन्हें भी तो कोई प्लानिंग की है ना। कई बार तुम नोट करो, कई अपनी लाइफ च कहते जी मैं पायलट बनना, नहीं बन पाते वो डॉक्टर बन जाते। तू जोर ला लिया पायलट बन का, बन नहीं पाया डॉक्टर बन गया चंगा, एदा मतलब उन्हें तेरी प्लानिंग इदा की हुई सी। कई होणगे हो जे जी मैं इंजीनियर बनना है, वड्डा इंजीनियर नहीं बन पाए उस सिंगर बन गए। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो लाइन च उन्हों का नाम बन गया, एदा मतलब उन्हें प्लैनिंग की है तेरी। मैं अपनी लाइफ च कदी नहीं सी सोचिया मैं कीर्तन करांगा, कदी नहीं सी सोचिया, कदी नहीं सी सोची ये गल असी भी कीर्तन करांगे, संगतां इदां जुड़नगियां, इदां प्यार मिलेगा संगत दा। कदी माइंड च नहीं सी ये गल, साडे घर च कोई कीर्तन करदा ही नहीं सी, पर महाराज ने प्लानिंग कीती सी ना। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। थोड़ी बहुत फ्यूचर दी प्लानिंग रखो, पर इन्नी टेंशन ना पाओ, इन्ना दिमाग दे उत्ते बोझ ना पाओ कि दिमाग दियां नाड़ां ही फट जाण। और जिन्हें तेरी प्लानिंग कीती हुई, जिन्हें तेनू इस संसार च भेजिया, ओदी प्लानिंग बड़ी वड्डी है, बहुत वड्डी। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है, जल मैं जंत उपायन तना भी रोजी दे। हरेक दी झोली भरद तेनू भुखा नहीं मारेगा। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। हौली हौली इह चिंता दे घोड़े नू अपनी बुद्धि दे राही मैसेज दिओ, चिंता दे नाल कुछ नहीं होना पर चिंतन नाल सब कुछ हो जाणा। चिंता नुकसान करदी है, चिंतन हमेशा फायदे देता है। चिंता करके समस्यावां वधदियां ने, चिंतन करन दे नाल आईयां होईयां समस्यावां दा हल होण लग पैंदा। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। प्यार नाल आखो ने जी धन बाबा दीप सिंह जी। फिर दूजा घोड़ा जिहदे उत्ते हौली हौली काबू पाउणा, क्रोध दा घोड़ा, क्रोध दा। ये भी बड़ा माड़ा है उहदा, क्रोध दा घोड़ा। प्यारेओ जीवन दे विच क्रोध चाहिदा है, सुनियो, बड़क ते होनी चाहिदी है ना बंदे च, क्रोध चाहिदा है। बाबा नंद सिंह जी दा बचन है, कहिंदे सप डंग ना मारे पर फुंकारा भी ना छड्डे। जे फुंकारा छड्ड देगा ना लोग ते उहनूं मार देणगे। डंग नहीं मारना पर फुंकारा भी नहीं छड़ना। क्रोध भी चाहिदा है पर हर चीज की एक सीमा है, सीमा हर चीज की एक सीमा है। क्रोध जरूरी है पर केड़ी परिस्थिति दे विच कीवें करना है, ये तेनू ज्ञान होना लाजमी है। मैं कई बार ये चीज कहना, जेडे तीन तो चार रोज वेखते हो ना उन्होंने पता है। कई कहते हैं ना स्टेजा से बह के जी काम क्रोध लोभ अहंकार, बड़िया माड़िया चीजा ने, यह होनिया नहीं चाहिए। परमेश्वर ने बनाईया ने, माड़िया नहीं। काम भी चाहिए अपनी कुल कथू करेगा दसो, पर एदी एक सीमा है, सीमा। एका नारी जती है पर नारी धी भैन बखाने, ये सीमा है। औरतां दे लई ओ मर्द जिहदे नाल लावां लईआं ने, मर्द दे लई ओ औरत जिहदे नाल लावां लईआं ने, बस ओहदे प्रति ईमानदार रवे। बाबा दीप सिंह जी जती सती ने ना, पर गुरु साहब कहिंदे तू भी जती सती बन सकदा है। मारे मैं ते तीन बच्चियां वाला, मैं दो बच्चियां वाला, मेरे पंज बच्चे ने, मैं किवें जती सती बन जाऊंगा। मारे कहिंदे हां तैनू भी जती सती बना देने। कहिंदे एका नारी जती है, एका नारी जती है पर नारी धी भैन बखाने। कहिंदे तू भी जती सती बन सकदा है जिहदे नाल लावां लईआं ही, ओहदे प्रति ईमानदारी रख, बाकियां दे विच अपनियां मावां भैणां धीआं वेख। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल आखो ना जी धन बाबा दीप सिंह। बंदे दी लाइफ च काम भी जरूरी है, क्रोध भी जरूरी है। आ जिहड़ा महाराज कहिंदे ना काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इंते आप छड़ावो, हुण महाराज ते भी आप भी ते गृहस्थी होए ने। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਵਸ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਬਣ ਜੇ ਸੀਮਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬੀਰ ਰਸ 'ਚ ਬਦਲ ਜੇ, ਬੀਰ ਰਸ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਹੈ,
तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे वर्गा भैड़ा कोई नहीं। तुसी कीता की छुरी कढ़ी, छुरी मार दित्ती उहदे पेट दे विच, उहदा करता कतल गुस्से विच आ के कि इहने मैनूं गालां कढ़ियां, मेरे कोलों बर्दाश्त नहीं होईआं इहदीआं गल्लां, कतल कर दित्ता उहदा, सारी जिंदगी जेल भुगतोगे? इदां ही होएगा ना? फिर इहो ही करना की है, जे किसे ने तैनूं कोई ताना मेणा दित्ता है ना, उहनूं अपने दिमाग दे कंप्यूटर च फिट कर लै। उहने तैनूं कहता है ना कि तू निकम्मा है, कुछ नहीं कर सकता, तेरे वर्गा नलायक कोई नहीं। ये चीज नूं अपने दिमाग च कर फिट कर, मेहनत मेहनत करके कमाई कर, मेहनत करके बाहर जा, भावें कनेडा सैट हो जा, अमरीका सैट हो जा, जिथे मर्जी मेहनत करके जा, पांच सात साल ला वा, रज के कमा पैसा, पैसा कमाउण तों बाद इत्थे पा शानदार कोठी, अपने शहर नूं भी नहीं कदी भुलीदा। बाहर जाना गलत नहीं, पर प्यारे हो अपने शहर नूं कदी नहीं छड्डीदा, माता पिता नूं कदी नहीं छड्डीदा। जिस शहर चों तू गया ना, बाहर जे तेरा सोर्स ऑफ इनकम बहुत बन गया ना, उस शहर दी भलाई वास्ते कम करने शुरू कर, इलाके वास्ते कम करने शुरू कर। जिस माता पिता ने तंग खो के तेनू बाहर भेजे ना, उन्होंने भी उठे बुला, उन्हों की सेवा भी टट टट के कर। हुण गल सुनियो, बाहर जा, अपनी सेटिंग कर, इत्थे सोहनी कोठी पा, पंजा सत्तां सालां बाद आ वापस ते ओह बंदे नूं बुला। दस भाई, पांच साल पहले, दस साल पहले तू कहा सी मैं निकम्मा वां, पर आ वेख अपनी मेहनत मैं कीती, गुरु दी रहमत मेरी मेहनत दे उत्ते वरती है, तू ते उत्थे दा उत्थे खड़ा रह गया, अज मैं कोठियां ते कारां वाला बन गया वां। है जी, आ क्रोध दा जवाब इदां दिओ ना, असी तो सिर पाड़न से तुर पैने उस वे, असी तो लड़न से तुर पैने उस वे। क्रोध हो गए लिमिट एक, आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। कोई हक मार रहा हो वे ना तेरा बिना वजह तो, उथे क्रोध आना जायज है, पर सीमा रखी। ये नहीं कि गुस्से में आके अगले को मार ही देना, लिमिट तो बाहर नहीं जाना। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। ये क्रोध के उत्ते लगाम पा लै पीर रस दे नाल, अपनी बुद्धि नूं ये कहो, पहला घोड़ा चिंता दा उहदे उत्ते भी काबू, दूजा घोड़ा क्रोध दा। मैं अगली गल तीजे घोड़े दी करां, जिहड़ी पहले शुरू कीती पूरी कर लां। काम भी चाहिए, क्रोध भी चाहिए, लोभ भी चाहिए। लोभ किहो जिहा होवे, मैं एक पाठ सुखमनी साहिब कर लिया, एक होर करना, यह लोभ चाहिए। यह लालच हों गुण तौ चलो, ये लोभ चाहिए। मैं एक घंटा कीर्तन सुनया, एक घंटा होर सुनना है, करो इहो जिहा लोभ। मोह भी चाहिए गुरु रामदास दे चरणा दा, आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। लड़के लड़कियां कई बार कहते असीं तेरे बिना नहीं रह सकते, ये शरीरक मोह हुंदे ने, शरीरक मोह। जवानी जान दी देर सब कुछ टुट जांदा है, जां जवानी वेले कई बार इहो जिहे धोखे मिल जांदे, सब कुछ टुट जांदा है। ਉਹ ਮੋਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਾਲ ਕਰ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਮੋਹ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੋਹ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੋਹ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਟੱਕੇਗਾ ਜੀ, तेरी इज्जत नंगी नहीं करेगा, टकेगा। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। ते बंदे दे अंदर अहंकार भी चाहिदा, मैं ये कम कर सकदा, चंगी गल है, मैं ही ये कम कर सकदा, ये गलत गल है। गुरु चाहे जी दे मर्जी कोलों करा लवे, अहंकार सैल्फ कॉन्फिडेंस च बदल जाए। तो खैर सुनियो, पहला घोड़ा चिंता दा, ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ, ਸੁਣੀ ਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਲਾਲਚ ਦਾ ਘੋੜਾ। ਇਹ ਲਾਲਚ ਦਾ ਘੋੜਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹਟਦਾ, ਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਲਾਲਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਲਚ ਕਿ ਮੈਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਆਦਤ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ।
पर प्यारे ओ धोखे दे नाल कमाओगे ना एक किणका भी तुहाडियां कुलां दा नाश कर देवेगा। खुद धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। मैं जिवें पहले किया लालच करो, पर लालच इहो जिहा करो, मैं दो सुखमनी साहिब कर ले ना, दो होर करने ने। मैं 5 बजे उठना अमृत वेले, पर अगले महीने तो मैं 4 बजे उठना, इहो जिहा लालच करो डट डट के। इस घोड़े नूं वी इदां काबू करो ते इह ज्ञान तों बिना काबू नहीं आएगा। लालच दा घोड़ा ते इह ज्ञान मिलना कित्थों? संगत विच आ के। जद तक संगत नहीं ना करदे उदों तक गल नहीं जे बणदी। ते चौथा घोड़ा है प्यारिओ घमंड दा। जिवें मैं पहले कहा मैं इह काम कर सकदा, अच्छी गल कर लै, पर मैं ही इह काम कर सकदा, इह गलत गल। गुरु पिता जिहदे मर्जी वल नजर करके जो मर्जी सेवा लै सकदे ने। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। बस अपनी बुद्धि नूं ट्रेनर बना के ना, बुद्धि नूं ट्रेनर, गुरु दे ज्ञान दी ट्रेनिंग दे नाल जदों अपने बुद्धि नूं ट्रेनर बना के प्यारे हो अपने आप नूं ट्रेनिंग देनी शुरू करोगे ना, जिवें ओ ट्रेनर ने ओ 4 बदमाश घोड़ियां दे उत्ते जित प्राप्त कर ली, उन्हां नूं कंट्रोल च कर लिया, समा पा के असी भी ये बदमाश घोड़ियां नूं, चिंता दे घोड़े नूं, क्रोध दे घोड़े नूं, लालच दे घोड़े नूं, घमंड दे घोड़े नूं फिर कंट्रोल कर सकदे। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल आखो न जी धन बाबा दीप सिंह जी। आप सबरो परिवार सवारो समाज आपे ही सवर जाएगा। प्यार नाल फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शब्द पढ़िए उस तो पहला बेनती, ये सारा प्रोग्राम साढ़े यूट्यूब चैनल भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल दे उत्ते लाइव चल रहे हैं। तुसी बाद चो घरां चे जाके भी ये प्रोग्राम साढ़े चैनल ते वेख सकते हो, ते ये चैनल नूं सबसक्राइब भी कर लो जिहड़े हुण वेख रहे ने, और वध तो वध ये लिंक शेयर करो ता जो होर संगतां गुरु चरणां दे नाल जुड़ सकण। आओ भगत कबीर जी दा उच्चारण कीता शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 656 नंबर अंग दे उत्ते दर्ज। शब्द हौ मांगू संतन रीना, मैं नाही किसी का देना। अज जस्सा सिंह रामगढ़िया जी उन्हां दे जीवन दे विच्चों मैं एक दो बड़ियां जरूरी जरूरी गल्लां तुहाडे नाल सांझियां करांगा सतगुरु सेवा लै। पर आओ उस तों पहलां ये शब्द पढ़िए, जिथे जिथे जगह मिल रही ना बस सज्जो। मैं जिवें पहले कहा बार भावें मीह दा जोर है, पर प्रेम वालियां नूं कोई भी किसे चीज़ की रुकावट महसूस नहीं होंदी। जिन्हां नूं अंदरों इश्क लग गया ना, वह बापू दे चरणां विच पहुंच ही जांदे ने। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। आओ सिद्धी जी लय विच आपां शब्द पढ़ना है, ते सारे मेरे नाल नाल कृपा करियो जी। हौ मांगू संतन रेना, 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 संतन रेना, हौ मांगो संतन रेना। मैं नाही किसी का देना, मैं नाही किसी का देना, मैं नाही किसी का देना। मैं नाही किसी
चढ़ती कला च हो सत श्री अकाल मेरा पेट भर के गुजारा हो मैं रोटी भी दे मैं मंजी भी चाहिए मैं सराने भी चाहिए मैं दाल भी चाहिए मैं प्यो भी चाहिए सब कुछ मंगे सब कुछ सानू इशारा दिता है प्यारे जेड़िया चीजा की भी लोड़ है ना अपने परमेश्वर को तू मंग सकता है पर एक चीज का ध्यान रखी एक चीज का वो पता केड़ी चीज कि सारी जिंदगी दाता मंगदे ही ना लंघ जावे एक दिन जरूर आवे जदों दाते नूं भी मंगे आखो वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी ते जे कोई दुनियावी चीज मंगनी भी है ना लोभ ना होवे लोभ ना होवे मंग जायज होवे किसे दा बुरा ना होवे ते अंदर लोभ लालच ना होवे फिर गुरु सब तरह करके झोलियां भरदा है देखो कबीर जी लिस्ट उतार रहे लिस्ट खाट मंगो जो पाई सिरहाना वर दुलाई बड़ो खाट मंगो जो पाई सिरहाना वर दुलाई ऊपर को मांगो खींचा तेरी भगत तेरा मेरा रिश्ता एहो जिहा रिश्ता मित्रताई वाला
दोस्ती वाला जे तू मेनू नहीं देता मैं आप मांगता मेनू दे कि मैं कह रहे आप न दे हो 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 तले वो मंगे हम मांगो संतन दे
बाद वीर दी जे हिस्से च पैणा पंजा पंजा दी आवाज आवे सब चो अंतर जमी पुरख पिछाते अंतर जमी पुरख पिछाते अंतर जमी पुरख पिछाते अंतर जमी पुरख पिछाते अंतर शरदा
मन पे तेरे अगे खलो गया। क्यों खलो गया? ओ प्यारिया तेरे लेखे आज तो मैं पढ़ने नहीं, पढ़े बिना पाड़ देने ने। क्यों? क्योंकि बाबा दीप सिंह तेरा मित्र बन गया है जी। सत श्री अकाल। बाबा दीप सिंह ने तेरे लेखे ही पढ़ते ना, ते जिदे लेखे उन्हें पढ़ते धर्मराज कहता मेरी कोई मजाल नहीं उहदे लेखे मैं पढ़ सका। किवें कह रहे महाराज? धर्म राय अब कहां करे को, धर्म राय अब कहां करे को, जो फाटे ओ सगलो लेखा, जो फाटे ओ सगलो लेखा, जो फाटे ओ सगलो लेखा, जो फाटे ओ सगलो लेखा। इस करके असि मंग रहे हैं, हाँ मांग संतन ने ना, हाँ मांगो संतन ने ना, संगत बोले बोलो, हाँ मांग संतन ने। हुण ना जोर लाउणा पूरा होर, मैं साजा नूं विश्राम देके तुहाडी आवाज भी सुननी ते तुहाडे भी गज के जो पिछे तक बैठे हो ना, जां जिहड़े मत्था भी टेक रहे सारे जपियो, वड्डी दात अज मंग लो, वड्डी दात। जिनके चोले रतड़े प्यारे, जिनके चोले रतड़े प्यारे, जिनके चोले रतड़े प्यारे, जिनके चोले रतड़े प्यारे, जिनके बोलो, जिनके किन्ना दे रतड़े, तन तन बाबा दीप सिंह जी, तन तन बाबा दीप सिंह जी, तन तन बाबा दीप सिंह जी, तन तन बाबा दीप सिंह, बोलो तन तन बाबा पैणा, तन तन बड़ी ताकत इस नाम च, जिनके चोले रतड़े प्यारे, जिनके चोले रतड़े प्यारे, जिनके चोले रतड़े प्यारे, जिनके चोले रतड़े प्यारे, जिनके भुलने नहीं बारी गज के, ओ जिनके पैणा दी बारी, जिनके चोले रतड़े प्यारे, जिनके चोले रतड़े प्यारे, जिनके चोले रतड़े प्यारे, जिनके चोले रतड़े प्यारे, किसी का देना, मैं ना ही किसी
सिद्धि कर लो सारी संगत धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी प्यार नाल सारे आखो न जी धन बाबा दीप सिंह जी शब्द अपना सारे ने हुने रल के पढ़िया हाँ मांगो संतन देना मैं ना ही किसी का देना हुण गल ध्यान नाल सुणियो मां पुरखां दी धूड़ी पता की हुंदी है जिहड़ी असीं हुणे मंग रहे सां ना हाँ मांगो संतन देना असलीयत दे विच किसे गुरसिख दी मां पुरख दी धूड़ी पता की है ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਕਿਧਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਭੀਗਤ ਪਾਏ ਪਰ ਇੱਕ ਧੂੜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਧੂੜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਇੱਕ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਇੱਕ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਦਾ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਮੌਸਮ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਬਦਲਾਂ ਚ ਜਕਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਲਈਏ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਰ ਇੱਕ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ
पापां नूं जिथे बख्शदी है तेरिया कुलां दा ते उधार हुंदा ही हुंदा है। तेरिया कुलां दे विच इहो जिहियां रूहां आ जाणगियां उस चरण धूड़ी दा सदका जिहड़ियां कई कई कुलां दा उधार करन वालियां बन जाणगियां। आखो वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी। आओ अज बाबा जस्सा सिंह जी रामगढ़िया उन्हां दे जीवन दे विचों एक दो चरण धूड़ी दे किणके लै लईए। फिर मैं पुछना इंदौर वाले हो चढ़दी कला च हो सासरी अकाल किसे दा मन काला ते नहीं पै रहा ना सासरी अकाल क्योंकि जीवे मैं कल राती भी बेनती कीती सी जेडे प्यार वाले ने भावे चार चार घंटे लगे रही है गुरु जी की कृपा दे नाल कोई नहीं खिलदा। चार चार घंटे भी कीर्तन हुंदा है संगतां प्यार च आनंद विच जुड़ियां रहिंदियां। प्यार वालियां नूं भुखे भुख पता नहीं है समय हुण दुबारा कदों मिलने ने। आखो वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी। भुख लगी होई प्यार वालियां ने कीर्तन दी कथा दी सिमरन दी ते सारे इत्थे बैठे ही होने क्योंकि मीं विच आउणा सौखा नहीं। मौसम खराब होवे निकलदा ते ओहो ही है ओहो ही जिहदे अंदर अत दा प्रेम हुंदा है। इहो जे मौसम दे विच गुरु घर च आउंदा ओहो ही है जिहदे अंदर प्रेम है ते जां मैं इउं कहणा जिन्नू गुरु रामदास ने प्रेम दी खिच पा दित्ती है। बस इसे चढ़दी कला नाल बहना आपां सुणियो बाबा जस्सा सिंह जी रामगढ़िया एक दो चरण धूड़ी दे किणके उहनां दे जीवन विचों आपां लईए। भाई हरदास जी सुर सिंह दे रहण वाले इह सुर सिंह ओह नगर है जिस नगर दे विच भाई बिधी चंद शीना गुरु का सीना गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने जिन्हां नूं वर दित्ते ने उस नगर दे रहण वाले भाई हरदास जी इन्हां दा पुत्तर है भाई भगवान जी। ये दोवें जाने आए ने धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी दे कोल आनंदपुर साहब की धरती ते। जदों आए महाराज पुछदे ने हरदास जी नूं बई तेरा नाम की है। आखो वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी। बेनती कीती जी मेरा नाम हरदास ते महाराज गुरु गोबिंद सिंह नूं अपना नाम दस के ना ते नाल ही इह गल कही महाराज कृपा करो आप जी मैनू अमृत दी दात दे के अपना सिंह बना लो। आखो धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल आखो ने जी धन बाबा दीप सिंह जी मैनू अमृत दी दात दे के अपना सिंह बना लो। इन्हां ने धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी दे हत्थों अमृत छकिया। इन्हां ने भी ते इन्हां दे पुत्तर ने भी ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰਿਓ। ਟੀਚਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਵੀ ਟੀਚਰ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। जज दे घर जन्म लैके कोई जज नहीं लग जांदा वकील दे घर जन्म लैके कोई वकील नहीं बनता इंजीनियर दे घर जन्म लैके कोई इंजीनियर नहीं बनता जब तक कोई पूरी पढ़ाई ना करे। इसे तरह सिखां दे घर विच जन्म लैके कोई सिख नहीं बनता जब तक गुरु की मोहर ना लवावे। आखो वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी। सरदार मनजीत सिंह जी रिंकू वीर जी उपराला कीता सारी टीम नाल रल मिलके मैं इन्हां दे चरणां च बेनती करांगा अगली वारी जदों इह उपराला करो दो गल्लां जरूर मन्नियो एक अमृत संचार रखना है दूजा अमृत वेले दा दीवान भी रखना है। आखो वाहिगुरु जी अमृत वेला भी सासरी अकाल अमृत वेला भी ते अमृत संचार इह दो चीजां जरूर बेनती मन्नियो। और एडी वड्डी गिणती च मैनूं पता है अमृत वेले दीआं संगतां भुखियां ने आशक ने आशक जिथे भी रखदे आ आ जिन्ने तुसीं बैठे हो ना इस तों कई कई गुणा ज्यादा संगत हुंदी है महाराज जी दी मेहर नाल।
अमृत वेला भी अमृत संचार भी। चलो जिन्ने प्राणी गुरु वाले बन जाए, निचोड़ निकले निचोड़, इन्ना खर्चा किया सानू बुलाया, टिकटा इन इनिया निचोड़ भी नाल निकले। अज मैं बड़ी खुशी है, निचोड़ निकलना है। बच्चिया ने जो दस्तारा सजाणिया है ना, यह वड्डा निचोड़ निकलना है अज के समागम का। वड्डी बख्शिश ते इतो भी वड्डी बख्शिश हो जाएगी जो अमृत वेला भी अमृत संचार भी होगा। तो खैर भाई हरदास ने अमृत छकिया बन गए भाई हरदास सिंह, भगवान जी ने अमृत छकिया बन गए भाई भगवान सिंह। उत्थे रह के गुरु गोबिंद सिंह साहब के चरणों के विच शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या गुरबाणी का अभ्यास, घोड़सवारी का अभ्यास करते हैं। एक दिन सतगुरु पता की कहिंदे गुरु गोबिंद सिंह जी हरदास सिंह नूं, कहिंदे तुसी इत्थे ही रहो, तुसी नहीं जाना, इत्थे रह के सेवावां निभाओ। ते महाराज मेरे पुत्र लई भगवान सिंह लई की आ गया, महाराज कहिंदे ओ अपने नगर चले जाण, अपने नगर चले जाण, समा आउण ते तेरे पुत्र भगवान सिंह कोलों भी सेवा लवांगे। आखो वाहिगुरु जी, मैं बाबा जसा सिंह रामगढ़िया की गल कर रहा हूं। समा लंघता जा रहा, हरदास सिंह गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह दियां जिहड़ियां जंगां होईयां ना बाई धार दे राजियां नाल जां मुगलां नाल, ओह जंगां दे विच वी हिस्सा लिया। ते इह जिहड़ा भगवान सिंह है ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਣੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਧਰ ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਜੂਝਦੇ ਬਜਵਾੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਖੇਪ ਮਾਤਰ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਲਿਮਿਟਡ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੁੜਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਜੋੜਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਈਚੋ ਗਿੱਲ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਾਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਜੈ ਸਿੰਘ, ਤੀਜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਾਲੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਥੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੋਥੀ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਵਾ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ, ਡਟ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਘਰ ਸੈਂਚੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਸੱਚਾਈ ਏ, ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੱਚੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੱਕਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ? ਤਾਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਗਾਂ ਨੇ ਘੇਰੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਘੇਰੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਧੂੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਹਿਲੀ ਧੂੜੀ ਕਿਹੜੀ ਧੂੜੀ? ਪਿਤਾ ਗਿਆਨੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਚੈਨਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਜਾਵੇ, ਬਾਣੀ ਵੱਲ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੱਲ, ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਾਵੇ। ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਹੱਥ ਵਿਖਾਉਣ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਈ, ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਹ ਭੋਲੇ ਹੋਲੇ ਹੋਲੇ
ਇਹ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਚਨ ਦਿਲ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਆਹ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਵਿਦਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ, ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਜਿਹਦਾ ਪਿਓ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਲਿਖੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਜਿਹਦਾ ਪਿਓ ਛੋਟਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਬਾਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, 10 ਸਾਲ ਤੂੰ ਭੋਗਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਹ 10 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਮੰਗੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗੋ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਵਧਾਓ। ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੱਲ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਆ ਨਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਨਗ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਲਾਣੇ ਨਗ ਦੀ ਪਾਓਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਫਲਾਣੇ ਨਗ ਦੀ ਪਾਓਗੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਐਡ ਕਰਨਗੇ ਫਲਾਣੇ ਨਗ ਦੀ ਪਾਓ, ਆਹ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਓ, ਬਰਕਤ ਪਏਗੀ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ 400 ਰੁਪਇਆ ਆਪ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹੈਂਜੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਆਪ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਇੱਕ ਢੰਗ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁੱਟ ਲਵੇ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਪਤਾ ਕੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ ਘਰ ਦੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਨੇਮ ਨਾਲ ਜੋੜ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ, ਬਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਜੋੜਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਜੋੜਿਆ। ਉਹ ਜੇ ਜੋੜਨਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਜੇ ਜੋੜਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਜੇ ਜੋੜਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਜਿਸ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤ ਜਾਣੀ, ਤੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਚਿੱਠੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਪਾੜਨੇ ਹੀ ਪਾੜਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਤੱਕ ਲਏਗਾ ਨਾ, ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਚਿੱਠੇ ਪਾੜਨੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਘਰ 'ਚ ਪੋਥੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਆਹ ਧੂੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਬਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਛਕਦੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਛਕਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਧੂੜੀ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਣ ਲੈ ਲਓ, ਧੂੜੀ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਹੜੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਭ ਦਾ। ਜਦ ਆਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਗੇ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏਗਾ। ਆ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਮਿਟਡ ਜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਈ, ਇਹ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਸਫਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਏ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ।
राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु रहाया सतगुर का पाए सहज से भी मन बजिया वरदाया आदर तन परवार परिया शब्द का बड़े आईया लोक का हरि के मन जिने वसाया कहे नानक आनंद होवा सतगुरु में पाया हे मन मेरे नाल रो तू मन मेरे दुख सब सारणा अंगीकार करे तेरा कार्य सब सवारणा समना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रो हरनामे साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे करता तेरे सब किस है जिसे सो पावे सरदा सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रहे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन पुखा सब गवाईया शान सुपने वसया जिन इच्छा सब हो जाईया सदा कुर्बान की कागर विल्वा जिसे आए बड़े आईया कहे नानक सुनो संतो शब्द करो प्यारो सच्चा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द कर सभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच जोर जोर वास कीते काल कंठ कमाया करम पाया तुद जिन को से नाम हर के लागे कहे नानक दैस हो आज कर आनंद वाजे आनंद सुनो बड़ पाकी हो सगल मनोरथ पूरे हर हर दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी संत साध भय सच्चे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर नया पर पूरे वंदना गुरु चरण लागे बाजे अमर धुरे सो पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत युसला पिताई दया खेले सकत जगत चंगियां मायां बचे तर महदूर करमिया पवापनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम प्याया गैम सकत काल नानक ने उपे उचले केती छुट्टी नाल बोलो वाहेगुरु जी का कांड सा वाहेगुरु जी की फतेह ठाकुर तुम बहर जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बालक तेरे तुम्हारी कृपा में सुख कनेरे कोई ना जाने तुम्हारा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समगरी तुमर सूत्र धारी तुमते होई सुआज्ञाकारी तुमरे गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी तुदे आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाओ न जाने मेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाओ न जाने मेरा बोलना जी वाहिगुरु 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 तू समरथ अकथ अगोचर जियो पिंड तेरी रास रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक ली त्याए फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुए सहाय
अर्जुन हर गोबिंद न सिमरा श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कर नौ निद आवे ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां की जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु पंजा प्यारियां चौहान साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड के छकिया देग चलाई देग वाही देख के अंडिठ कीता तिन्हां प्यारियां सच्यारियां दी कमाई का ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत शीश दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तन आर्यां नाल चुरवाए गए गुरुद्वारियां दी सेवा दी कुर्बानियां कीतियां तिन्हां दी पवित्र कमाई का ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां का ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित आवै चित आवन का सदका सर्व सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रसिया रियायत देग तेग फतेह बिरध की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु आप जी दे सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान मिसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृत सर साहिब जी के दर्शन स्नान चौंकियां झंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु हे निमाणियां दे माण नेताणियां दे ताण न्योटियां दी ओट निपत्तियां दी पत निगतियां दी गत न्यासरियों के आसरा धन धन साहिब श्री गुरु नानक दे महाराज जीओ धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज धन धन बाबा दीप सिंह जी धन धन साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जीओ चवर शतर सिंघासन दे मालक हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर कारिमो रहीमो पै ऐद परवतगार सच साहिब बंदी मोच दीन दुनिया दे मालक गद्दी ते विराजमान सुभायमान साहिब ए कमाल तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सतगुरु जी ऐस वक्त आप जी दे पावन चरण कमला पास समूह संगत की अरदास बेनती जोदड़ी है आप जी ने दर प्रवान करनी सतगुरु जी आप जी दे दरों करो वरसाए हुए महापुरख सत्कार जोग भाई साहिब भाई गुर इकबाल सिंह जी सत्कार जोग भाई साहिब भाई अमनदीप सिंह जी जो सतगुरु जी गुरमुख प्यारियां वालों आप जी दी मेहर जी दे सदका चाली दिनां दे अमृत वेले दे समागम सतगुरु जी करवाए जा रहे हैं अज आप जी ने कृपा कीती उन्नवें अमृत वेले दे दीवाना दे सतगुरु जी आप जी ने सेवा ले आप जी दी मेहर जी दे सदका बीबी कौला जी भलाई केंद्र ट्रस्ट विखे सतगुरु जी अमृत वेले दे दीवान सजे सजे दीवाना दे अंदर आप जी दे पावन प्रकाश होए उपरंत जपजी साहिब की गुरबाणी दे जाप गायन किते वाहिगुरु मूल मंत्र दे जाप गुरमंत्र दे जाप शब्द कीर्तन दी हाजरी गुरमत विचारां होईयां गुरबाणियां दे जाप करदियां शब्द कीर्तन दी हाजरी लगवाउंदियां गुरमत विचारां करदियां एक नी अनेक प्रकार दियां गलतियां कर गईयां लेखै कतै ना छूटी है खिन खिन भूलन हार बख्शन हार बख्श लै नानक पार उतार सतगुरु जी अपने अनजाण बच्चे समझ के मुआफ करना आई समूह संगत की हाजरी दर प्रवान करनी तिल फुल भेटा दर प्रवान करनी जिन्नियां भी संगतां ने सतगुरु जी अमृत वेले दे दीवाना दे विच हाजरियां भरियां सब दियां हाजरियां दर प्रवान करनियां ते जिहड़ियां संगतां ने लाइव दे माध्यम राही घरां दे विच शहरां दे विच नगरां दे विच अमृत वेला संभालिया अमृत वेले
ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਦੇ ਸਦਕਾ ਚਾਰ ਪੈਰ ਰਹਿਣ ਆਈ ਸੀ ਸਰਬੱਤ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਐਸ ਵਕਤ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਦਿਨ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਸੁੱਖ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਬਤੀਤ ਕਰਾਉਣਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਮੇਲ ਇਤਪਾਵ ਬਖਸ਼ਣਾ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਦੇ ਸਦਕਾ ਜੋ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀਆਂ ਦਾਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤੋਟਣਾ ਆਪ ਵੀ ਅਗੰਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਗੰਤ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਸੱਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਕੀਏ ਬਹੁ ਵਿੰਜਨ ਮਿਸਟਾਏ ਕਰੀ ਪਾਕ ਸਾਲ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ ਹੁਣ ਲਾਉ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ ਆਪ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜੋ ਜੀ ਸਕੇ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਸੋ ਰਾਜੀ ਜਾਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਬਲ ਨੈਣ ਮਧੁਰ ਭੈਣ ਕੋਟ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸੋਭ ਕਹਿਤ ਮੰਜ ਸੋਧ ਜਿਸੈ ਦਹਿ ਭਾਤ ਖਾਹੀ ਜਿਉ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹੇ ਜੀਉ ਸੋ ਕਹ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਹੋਵੇ ਸਿਵ ਦੁਖ ਸਮਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋ ਕੁਰ ਸੋ ਝਟੀਐ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਐ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਉ ਸੁਰਠ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਭੈ ਅਰੋਗਾ ਕੋਟ ਬਿਘਨ ਲਾਥੇ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ
कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन पै अरुगा कोट बिघन लाठे प्रभ शरना प्रगटे भले संजोगा प्रभ बानी शब्द सुभाखिया गाव सुनो पढ़ो नित पाई गुरपुर तू राखिया रहाओ साचा साहिब अमित बढ़ाई भगत वसल दयाला संता की पैज रखता आया आद बिरद प्रतपाला हर अमृत नाम भोजन नित पुंचो सर्व वेला मुख पावो जरा मरा ताप सब नाठा गुण गोविंद नित गावो सुनिय अरदास स्वामी मेरे सर्व कला बन आई प्रगट पई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई सुनिय अरदास स्वामी मेरे सर्व कला बन आई प्रगट पई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सुरठ महला पंजवा कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन पै अरोगा कोट बिघन लाथे प्रभ शरणा प्रगटे भले संजोगा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।